तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी स्टेडियम खाते पहुंची गया छे। हमने कहा है जो उन्हीं का हो। हम सबका न्याय दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, जाने जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, और सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे।
बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में मायूसी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, खुदरा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब करता दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े है, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े है, 900 पे दिया था संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था नहीं अब दिखता अल्प है, कल परेश ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख बने, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हम आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। 1,00,000 से भी अधिक लोगों के उत्साह से भरे इस भव्य स्टेडियम में, साथ ही हम हर्षोल्लास से साथ स्वागत करते हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, गुजरात ना माननीय खेल मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी नु पण स्वागत छे, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अने नवसारी ना माननीय सांसद श्री सी आर पाटिल जी नु पण स्वागत करिए छे, अने अमदावाद ना माननीय मेयर श्री किरीट भाई परमार नु पण हार्दिक स्वागत छे। इसे राष्ट्रीय खेलों का नाम दिया गया और हम गुजरात के खूबसूरत शहर अहमदाबाद में इसके 36वें संस्करण की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सभी के लिए सौभाग्य है। जहां तक सरकार का भारतीय गवर्नमेंट ने जो खेलों में योगदान दिया है, खेलो इंडिया के माध्यम से जो स्कीम्स चलाई हैं, वो हमारे लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उत्साहजनक स्कीम्स हैं, जिनका खिलाड़ियों ने हमारे पिछले कुछ सालों में इतना उसका फायदा लिया है कि हमारी मेडल टैली पिछले मेगा इवेंट्स में बहुत ऊपर आई है। सारी स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी की है। मैं सोचता हूं कि ऐसे ही खेलों को हम आगे बढ़ावा देते रहें, जिससे हमारे गेम आगे बढ़े और हमारी कोशिश रहे कि यहां 2036 में हम ओलंपिक गेम का भी एक तैयारी कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सभी अपने सम्मान अधिकारियों का, मंत्रियों का, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके उष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए धन्यवाद। गुजरात नो विकास जेवनो जीवन मंत्र छे, अने गुजरात ना युवाधन ने जेवो सतत प्रोत्साहित करे छे, एवा अपना गुजरात राज्य ना लोक लाड़ीला मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने तेओना संबोधन माटे हर्षभेर तालियोना गड़गड़ाट साथे आमंत्रित करिए। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तरीके आगवी ओळख धरावता अमदावाद शहरना आंगणे आयोजित 36वीं नेशनल गेम्स का उद्घाटन समारोह प्रसंग पर हमारी साथ मंच पर उपस्थित
फिट इंडिया मंत्र थकी भारत को विश्व फलक ऊपर ले जाने वाले वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, राज्य के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मेयर श्री किरीट भाई परमार, मंत्री परिषद के सब मंत्रीगण, सब सांसद श्री, सब धारासभ्य श्रीओ, संगठन के सब पदाधिकारी श्री, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए सब महानुभावे, स्पोर्ट्स जगत के अग्रणीय, विशाल संख्या में उपस्थित सब युवा खिलाड़ी मित्रों, प्रेस मीडिया के सब मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की युवा शक्ति का उत्साह गूंज रहा है। इस स्टेडियम में आज मिनी इंडिया के दर्शन हो रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए भारत के कोने कोने से खिलाड़ी गुजरात आए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमि गुजरात में आप सभी खिलाड़ियों का गुजराती की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुजरात का हर एक नागरिक आज आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। लगभग 7 वर्षों की लंबी अवधि के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। आमतौर पर इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी में कई साल लग जाते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा गुजरात में विकसित वर्क कल्चर और टीम स्पिरिट और उनके एक मार्गदर्शन में गुजरात ने मात्र 3 महीने से भी कम समय में इस पूरे आयोजन को साकार रूप दिया है। यह कार्यक्रम 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रत्येक प्रतियोगी में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करेगा। मुझे विश्वास है कि गुजरात में आयोजित ये राष्ट्रीय खेल का अनुभव आप सभी के लिए कभी न भूल पाने वाले अनुभवों में से एक होगा। इस खेल उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं को राज्य के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 8,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू करके गुजरात में एक नई खेल संस्कृति का संचार किया था। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ग्रामीण ओलंपिक और दिव्यांग जनों के लिए विशेष खेल महाकुंभ का अभिनव विचार अब एक उत्सव वर्धक गतिविधि बन गई है। हाल ही में गुजरात के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भी राज्य और देश का नाम विश्व पटल पर अंकित कर दिया है। हम इसे अपने सौभाग्य समझते हैं कि गुजरात को पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हमने राज्य में औद्योगिक और दूसरे विकासशील क्षेत्रों की प्रगति के साथ साथ स्पोर्ट्स के साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी है। हाल ही में कुछ माह पहले गुजरात की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही लॉन्च हुई है।